किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, ब्रेन की प्रॉब्लम है, ब्रेन में भी प्रॉब्लम है। जब मुझे मार रहे थे वो लोग मिल करके, पूरी जितनी पब्लिक है या उसके लोग हैं, अटैकर के लोग थे, तो वो वीडियो कहाँ है? मुझे हिट किया, क्या सेल्फ डिफेंस में मैं उसको मार नहीं सकती? मैंने उसको वहीं पे पकड़ा है, उस अटैकर को। सारी गाड़ियां रुक गई थी, पर वो जो अटैकर था उसकी गाड़ी उसी कांस्टेंट स्पीड से आ रही थी, ठीक है, जो सिग्नल तोड़ते हुए, ट्रैफिक रूल तोड़ते हुए उसने मुझे हिट किया, तो मैंने उसको सेल्फ डिफेंस में मारा और उसका फोन जो था वहीं पे डिस्ट्रॉय किया। और आप देखिए, मेरे पूरे शरीर पे चोट लगी है, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे हाथों पे निशान है, हाथों पे निशान है, ये पूरी चोटें लगी हुई हैं। अगर मैंने उसको मारा तो ये चोटें कहाँ से लगी हैं मुझको, ठीक है, ये पूरी हड्डी, वो खींच रहा था मेरी हड्डी को। कहा कि मुझ पे अटैक्स हुए हैं, तब भी उन्होंने कभी कोई एक्शन नहीं लिया, ठीक। इसके बाद मैंने जाकर के कहा अवध चौराहे की पुलिस से कि मुझ पे अटैक्स हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा जरा देखो आमने सामने कहीं कैमरा तो नहीं लगा है। प्रियदर्शनी का कहना है कि उसने कैब ड्राइवर की पिटाई इसलिए की क्योंकि उन्होंने पिछले 2 साल से बहुत मार खाई है। अपनी सफाई देते हुए कैब ड्राइवर पर मारपीट का आरोप भी लगाया है। प्रियदर्शनी ने ये भी कहा कि उन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस में कैब ड्राइवर को पीटा। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने आगे ये भी कहा कि उन्हें पीटते हुए 300 मीटर तक लेकर जाया गया था। प्रियदर्शनी ने बताया कि उन्हें हार्ट, किडनी और ब्रेन में प्रॉब्लम है और वो हमेशा की तरह वॉक के लिए गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि कैब ड्राइवर के अलावा कुछ और लोगों पर भी प्रियदर्शनी ने इल्जाम लगाया। हालांकि सोशल मीडिया पर 2 वीडियोज ही सामने आए हैं, एक सीसीटीवी वाला और एक लड़की का कैब ड्राइवर को थप्पड़ मारते हुए। वहीं अब लड़की के स्टेटमेंट के बाद से कई सारे सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि वो झूठ बोल रही हैं, क्योंकि उनके साथ मारपीट का कोई सबूत ही नहीं है और वायरल वीडियोस में वही कल्प्रिट नजर आ रही हैं। हालांकि प्रियदर्शनी ने इसके अलावा कहा कि उनके साथ ये सब लंबे वक्त से हो रहा था। 2 साल में मैंने सिर्फ मार खाई है, ये पूरे पैरों पे चोटें हैं, ये उस दिन मैंने मार खाई है और ये 2 साल की चोटें हैं, दोनों पैरों पर लगी हैं, ठीक है, पैरों को देखिए, 2 साल सिर्फ मैंने मार खाई है। दरअसल ये सारा मामला तब शुरू हुआ जब ट्विटर पर अचानक से #arrestlucknowgirl ट्रेंड करने लगा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई थी जिसमें दिख रहा था कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ के कृष्णा नगर इलाके में जेब्रा क्रॉसिंग के बीचों बीच एक लड़की ने कैब ड्राइवर को पीटना शुरू कर दिया था। वायरल वीडियो में लड़की चिल्लाते हुए दिख रही है कि वो रोड क्रॉस कर रही थी और उसी दौरान कैब ड्राइवर ने उसे टक्कर मारने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ कैब ड्राइवर बार बार ये कहता हुआ दिख रहा था कि उसने कुछ भी नहीं किया और लड़की ने उसका फोन भी तोड़ दिया। वहीं सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था कि रोड पर ग्रीन सिग्नल था, तेजी से व्हीकल्स चल रही थी और इसी बीच ये लड़की गाड़ियों के बीच से रोड क्रॉस करने लगी। और वीडियो सामने आने के बाद से ज्यादातर सोशल मीडिया यूजर्स यही कह रहे हैं कि इस मामले में लड़के की कोई भी गलती नहीं है। बाकी अब दोनों के पक्ष सामने आ चुके हैं, आपकी इस वीडियो पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।